हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है रेकमेंड का एक नया वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Redmi Note 11 Pro Max के बारे में। Redmi Note 11 जो सीरीज है उसके अंदर ये शायद इसका एकदम टॉप वेरिएंट होने वाला है, जहाँ पे आपको प्रो मैक्स वेरिएंट देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसी Redmi Note 11 Pro Max के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जहाँ पे 80-90% जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको फाइनल प्रोडक्ट पे देखने को मिल जाएगा। लॉन्च डेट के बारे में बताएंगे, प्राइस के बारे में बताएंगे और यहाँ पे बात कर सकते हैं अगर आपका बजट रेंज के अंदर किसी भी स्मार्टफोन को अभी के टाइम पे लेना है विद ह्यूज नंबर ऑफ स्पेसिफिकेशन, जहाँ पे भर भर के स्पेसिफिकेशंस डाला गया है। तो ऑब्वियसली इस वीडियो को एंड तक देख लो, एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन से, बट हाँ जो मैंने बोला 90% स्पेसिफिकेशन जो है फाइनल फोन पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे Note 11 Pro Max का सिम वगैरह को लोगे, डुअल सिम है, दोनों ही नैनो सिम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को माइक्रो एसडी कार्ड का सुविधा ही दिया जाता है। हाइब्रिड स्लॉट होगा कि नहीं ये कन्फर्मेशन अभी तक नहीं है, कुछ दिन बाद अगर मेरे को पता चला तो ऑब्वियसली मैं अपडेट कर दूंगा। स्क्रीन साइज वगैरह का मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को 6.67 इंच का एक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जा रहा है विथ 395 ppi HDR 10 एंड पंचोल। डिस्प्ले को लेके मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी कलरफुल डिस्प्ले होने वाला है, आपको बड़ा सा डिस्प्ले मिल जा रहा है, पंचोल डिस्प्ले तो देखने में भी उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, व्यूइंग एंगल भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा, तो आपको डिस्प्ले को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गेम वगैरह अगर आप करते हो तो भी आप लोगों को अच्छा खासा जो है गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, बेसिकली जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को काफ़ी सही मिलने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे दोस्तों रैम रोम वेरिएंट का बात करता हूँ तो एकदम जो बेस वेरिएंट है Note 11 Pro Max का वो 6GB 128GB वेरिएंट होने वाला है। यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड को लगा के 512GB तक एक्सपैंड कर सकते हो, विच इज़ मोर देन सफिशियंट एज फॉर मी। नेक्स्ट अगर वेरिएंट का मैं बात करता हूँ तो 6256 एंड 8128 ये दोनों वेरिएंट आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट 8128 पे चला जाए, 6256 ना लेके आए, वो तो खैर थोड़े दिन बाद पता चलेगा, अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। कनेक्टिविटी वगैरह का मैं बात करता हूँ तो ऑब्वियसली 4G 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डुअल बैंड वाईफाई आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, USB C टाइप 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो फास्ट चार्जर का सुविधा आप लोगों को देखने को मिल जाता है। आयर ब्लस्टर वगैरह जो है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यू कैन यूज़ योर स्मार्टफोन एज अ रिमोट। अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो डिवाइस है Redmi Note 11 Pro Max, इसके अंदर सेंसर वगैरह का क्या बात चल रहा है। सेंसर का देखो दोस्तों, मैं अगर फिंगरप्रिंट सेंसर का बात करता तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, तो इसके चलते आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि फ्लैट जो है साइड बटन होगा, राइट साइड पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए जो लॉक बटन है वो, उसके साथ साथ फेस अनलॉक वगैरह का भी सुविधा आपको दिया जाता है। इसको छोड़ के भी उसको आपका जो एम्बियंट लाइट सेंसर, जायरो को प्रॉक्सिमिटी, ये जो अलग अलग सेंसर्स वगैरह है वो भी सारे सेंसर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब मैं अगर बात करता हूं इसके कैमरा वगैरह को लेके, तो कैमरा पे जितना दूर तक अभी पता चल रहा है कि 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने वाला है, साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो जिसका एपर्चर f2.4 होने वाला है, एंड उसके साथ साथ आपको एक डेप्थ सेंसर कैमरा भी मिल जाएगा जो 2 मेगापिक्सल होने वाला है विथ ऑटो फोकस, बेसिकली उसका कोई काम नहीं है, मैक्रो तक काम चल सकता है। रेयर कैमरा के थ्रू आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो आराम से, और उसके साथ साथ आपको LED जो है एक फ्लैश लाइट वगैरह जो प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कैमरा क्वालिटी अच्छा मिलने वाला है। अगर मैं फ्रंट कैमरा का बात करता हूँ तो कंपनी इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, विच इज़ आई थिंक इट्स गुड फॉर योर व्लॉगिंग, सो यू कैन यूज़ दिस स्मार्टफोन फॉर योर एज अ व्लॉगिंग कैमरा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बड़ा सा स्क्रीन आपको देखने में भी काफ़ी सुविधा होगा। अब बात आता है इसके प्रोसेसर वगैरह वेज वगैरह को लेके, तो Redmi Note 11 Pro Max के अंदर आप लोगों को Android 11 देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो 2.4 GHz पे क्लॉक्ड है, तो ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देगा, अगर तो स्कोर वगैरह भी सही है, आपको बैटरी एफिशिएंसी भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। GPU वगैरह का बात करते हो तो 642L GPU देखने को मिल जाता है,
जो गेमिंग ग्राफिक्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेगा। आप आराम से हाई रेजोल्यूशन पे गेम, जो आपका BGMI जैसा अगर गेम का मैं बात कर दो, तो वो आप आराम से खेल लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आराम से इस पे गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो अगर आपको मन है स्मार्टफोन को लेके गेमिंग करने का, तो यू कैन गो फॉर दिस स्मार्टफोन इन फ्यूचर। अब बात आता है इसके बैटरी वगैरह का, तो बैटरी जो है मेरे हिसाब से मोर देन सफिशियंट है, बिकॉज यू विल गेट द 5200 mAh बैटरी विथ 33 वाट फास्ट चार्जर। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशियंट फॉर अ स्मार्टफोन। अगर आप गेमिंग भी करते हो तब भी आपको एक दिन के आसपास बैटरी बैकअप अच्छा खासा दे देगा। 33 वाट का फास्ट चार्जर है तो चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी हाई रहेगा, तो फटाफट से ये चार्ज भी हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो Redmi Note 11 Pro Max का जितने भी स्पेसिफिकेशंस अभी तक सामने हैं, उस हिसाब से अगर मैं ऑल ओवर द चीज़ देखता हूँ और इसके साथ साथ इसके प्राइस का कंपेयर करता हूँ, तो मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बनने वाला है। जहाँ पे अभी तक का जो प्राइस निकल कर आ रहा है, इसका बेस वेरिएंट जो इसका प्राइस 19,999 रुपीज़, मतलब अंडर 20,000 आपको स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर, उसके साथ साथ 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 6.67 इंच का 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जा रहा है, 5200 mAh बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जर, उसके साथ साथ जो भी बाकी सारे चीज़ 5G सेट है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे 5G बैंड कितना होगा वो देखने का बात है, बट 5G स्मार्टफोन आपको देखने को मिल रहा है। तो अंडर 20,628 GB अगर आपको मिल रहा है, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इन फ्यूचर। अब बात आता है कि प्राइस हो गया, लॉन्च कब तक होने वाला है। देखो दोस्तों, अभी तक जितना दूर तक पता चल रहा है, 26 नवंबर एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है इसी Redmi Note 11 Pro Max का। हो सकता है डिले हो जाए, डिले भी होगा तो मिड दिसंबर से पहले शायद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इससे ज़्यादा देर नहीं होने वाला है। अब खैर देखते हैं फाइनली कब तक ये स्मार्टफोन मार्केट पे देखने को मिल जाता है, बट इतना भी स्पेसिफिकेशंस अभी तक मेरे सामने आया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग क्या सोचते हो कि अंडर 20,000 जितने भी स्पेसिफिकेशंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर दिस Redmi Note 11 Pro Max, वो कितना जस्टिफाइड है, ज़रूर दोस्तों कमेंट करके बताना। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर इतना ही बात करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।